नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे ढोकला। उसके लिए लगने वाली सामग्री, एक कटोरी बेसन, थोड़ा सा तेल लेंगे इसमें से, 4 चम्मच नींबू का रस, 2-4 हरी मिर्च कटी हुई, 1 चम्मच शक्कर, 1 चम्मच राई, 1 चम्मच नमक, थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच अदरक और मिर्ची का पेस्ट और थोड़े से कड़ी पत्ते और 1 चम्मच इनो। अभी इसका घोल तैयार कर लेते हैं। बेसन लेंगे, उसमें नमक डालेंगे, शक्कर डालेंगे, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे, हल्दी डालेंगे थोड़ी सी, हल्दी थोड़ी ही डालना नहीं तो ढोकला लाल हो जाता है। अब इसमें नींबू का रस डालेंगे 2 चम्मच, अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका घोल तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर करेंगे ताकि गाठी ना बने। इस तरह से घोल बना लीजिए, देखो इसे बनाया है। अब इसमें इनो डालेंगे। अब ये वाला 1 चम्मच साधारण चम्मच सही है, ये इनो डालेंगे। इनो की जगह आप सोडा भी डाल सकते हो, मीठा सोडा। अब इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे। थोड़ा सा पानी गर्म कर लेते हैं, 1 गिलास करीबन। इस टिफिन में हम ढोकला बनाएंगे तो इसको थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं। इसे सब तरफ से तेल लगा लीजिए ताकि ढोकला चिपके नहीं, अच्छी तरह से निकल जाए। हमारा पानी गर्म हो चुका है। अब इसमें ऐसा कोई सा भी स्टैंड आप रख सकते हो। इस तरह से हम टिफिन में घोल डाल देंगे। इस तरह से इसमें घोल डाल दिया है, इसको थोड़ा ऐसा कर लीजिए। घोल इसमें डाल, टिफिन में डालकर रख दीजिए। अभी हम 10 से 15 मिनट तक इसे पका लेंगे। चलिए देखते हैं अभी ढोकला पक चुका है कि नहीं। देखो ढोकला पक चुका है, अभी इसे निकाल लेते हैं। इसे ठंडा होने देते हैं जब तक हम बघार तैयार कर लेते हैं। चलिए अभी बघार तैयार कर लेते हैं। तेल डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच, गरम होने देते हैं तेल। राई डालेंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे, मिर्ची डालेंगे, 1/2 गिलास पानी डालेंगे। एक चम्मच शक्कर डालेंगे, 2 चम्मच नींबू का रस डालेंगे। अभी इसे थोड़ी देर पकने देते हैं। अभी इसे ऐसे साइड से छुड़वा लेंगे। इसे पलट देंगे। देखो कितना अच्छा बना है अपना ढोकला। अभी इसके पीस काट लेते हैं। इस तरह से पीस काट लीजिए। अभी इसमें हमने ये जो बघार करा है चाशनी वाला, ये डाल देंगे।
देखो दोस्तों, हमारा ढोकला बनकर तैयार है। कितना अच्छा बना है, आप भी बनाइए और कमेंट करके बताइए।